बात करेंगे छिंदवाड़ा शहर की, जहां शहर के वार्ड नंबर 40 नोनिया करबल में खुला कुआं दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है। स्थानीय निवासी शानू खान शाहरुख जीसान ने बताया कि दो घरों के बीच में कुएं में बारिश के दिनों में पानी लबालब भर जाता है, जिससे कुएं का पानी लोगों के घरों के अंदर भी आता है। अक्सर बच्चों एवं जानवरों को गिरने का खतरा बना रहता है। कुछ माह पहले कुएं में मवेशी गिर गया था, जिसे बमुश्किल से बाहर निकाला गया था। लोगों ने खुले पड़े कुएं को पटवाने की मांग की है, जिसकी कई बार लिखित में नगर निगम छिंदवाड़ा से शिकायत भी की गई है। ये कुआं ये कई दिन पुराना कुआं है और इसमें ये कुआं सूख चुका है और यहाँ पर हमने इसकी शिकायत कई बार नगर निगम को दे चुके हैं, लिखित शिकायत दे चुके हैं, लेकिन ये कुआं बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। इसमें मवेशियाँ गिर जाते हैं, बहुत सारे मवेशी गिर जाते हैं और बच्चे भी खेलते गिर सकते हैं उसमें। इसकी शिकायत हम दे चुके हैं लेकिन ये अभी तक इसकी कोई एक्शन नहीं हुआ। वार्ड पार्षद को भी कई बार शिकायत दे चुके हैं, लोकल जो वार्ड पार्षद है यहाँ वार्ड नंबर 40 उसको भी लिखित में शिकायत दे चुके हैं लेकिन उन्होंने भी कभी एक्शन नहीं लिया। बहुत दिक्कत जाती है बरसात में, धीरे धीरे फिसल रहा है, इसको दोनों मकानों में हानि ही पहुँच रही है। R9 भारत के लिए मोहम्मद अल्ताफ, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। छिंदवाड़ा से ही दूसरी खबर, जहां जिले के मोहखेड़ विकासखंड को कोरोना मुक्त कराने की कड़ी में आज ग्राम पंचायत भवन कामठी में मोहखेड़ BMO डॉक्टर बजाज साहब के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इसमें कोरोना जांच एवं उपचार कैंप में क्षेत्रीय विधायक विजय चौरी जी की विशेष उपस्थिति में स्थानीय लोगों की जांच की गई। 62 लोगों के सैंपल RT-PCR हेतु मेडिकल कॉलेज भेजे गए, जिनकी रिपोर्ट कल आएगी। जांच टीम में लगातार सेवा दे रहे डॉक्टर सौरभ सूर्यवंशी, लैब टेक्नीशियन राजेश वर्मा, देवीराम सलामी, काशी प्रसाद मालवी, ANM सुनीता कड़सई, कुसुम झड़ागे के अलावा पटवारी मैडम किरण राजपूत ने सहयोग दिया है। लोग हमारे सम्मान्य साथी, हमारे महमूद भाई, अनवर भाई, नीरज साहू जी, हमारे योगेश राजनकर जी, हमारे संतोष कड़वे जी वगैरह सभी साथी हमारे साथ में थे और सबसे अच्छा कार्य हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया, जिसमें हमारे सभी साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोविड की जाँच करने के लिए जो है मरीज जो है अपनी सर्दी खांसी बुखार हो तो उसकी जाँच कराए, तो RT-PCR की टेस्ट हो रही है। लगभग कामठी में आज मेरे ख्याल से 100 लोगों को लगभग इनकी टेस्ट होने जा रही है, उपचार होने जा रहा है, वहाँ उनको दवाई वितरित की गई। एक बहुत अच्छी पहल और बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। मैं आशा करता हूँ कि सभी गाँव में इस प्रकार के कैंप लगें और सभी लोग जाँच कराएँ, विशेष रूप से कोविड के टीके लगाएँ, जो 45 साल के ऊपर हो गए उनको टीके लगाएँ, क्योंकि टीका लगाने से आदमी के जीवन सुरक्षित रहता है। मैंने स्वयं 2 टीके लगाए और मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि टीका जो है आदमी को अंतिम मौत के कुएं में धकेलने के लिए से रोकता है, तो इससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। हमको सबको परिवार को सुरक्षित रखें, सब लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर से हाथ धोएं, बस इन्हीं नियमों का पालन करें। यहीं मैं मोहखेड़ विकासखंड के और सौसर ब्लॉक के जनता से अपील करता हूँ। R9 भारत के लिए मोहम्मद अल्ताफ, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। शाहपुर के समीप डोडरा मोहर के समीप ट्रेन में टकराकर टाइगर की मौत होने का एक मामला सामने आया है। बैतूल शाहपुर में इन दिनों टाइगर की सामत आई हुई है। बुगन्नी पन्ना मंडला के बाद अब एक बैतूल जिले के शाहपुर के समीप डोडरा मोहर की रेलवे लाइन 791/9 डाउनलोड ट्रैक पर ट्रेन से टकराने से टाइगर की मृत्यु हो गई है। टाइगर मृत अवस्था में ट्रैक के बाजू में पड़ा होने की सूचना पर लोको पायलट द्वारा अपने अधिकारियों को अवगत कराया गया। उक्त मामले की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को लगने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। भवरा नदी के पास ट्रेन से टकराया था यह टाइगर शावक, जिसकी मौत लगभग 1.5 साल का था बताया जा रहा है। मेल शावक CCF मोहन मीणा समेत वन अमला मौके पर पहुंचे। R9 भारत के लिए रहमत अली, बैतूल, मध्य प्रदेश।